बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यार. बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को आपने जो काम किया वो पसंद आता है, और ये पहली लुक होती है फिल्म की, तो सब बहुत यू नो नर्वस भी होते हैं कि कैसा लगेगा लोगों को, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा. बट मोर देन 2 मिलियन हिट्स हो गए हैं, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है. मीन कॉमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग बहुत एक्साइटेड है एक अलग सी क्वर्की सी रोम कॉम देखने के लिए, तो वेरी वेरी हैप्पी. जैसा सनी ने बोला, बहुत खुश हैं हम लोग सारे, सब लोग जितने भी बारात कंपनी में हम जितने भी एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रिस्पांस इतना अच्छा मिला है. पहला जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको इतने शेयर्स और इतने लाइक्स मिले हैं सोशल मीडिया पे, दैट वी आर रियली पॉजिटिव. इट हैज़ गिवन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू अस, सो यस वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. तो मेरे किरदार का नाम महक शर्मा है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है नेशनल ज्योग्राफिक के साथ, और बहुत ही इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ गर्ल, जो बहुत सोच समझ के यू नो चीज़ें करती है. अ बिट ऑफ अ फेमिनिस्ट, क्योंकि उसको उसको मेन एंड वीमेन में इक्वालिटी बहुत पसंद है, और दैट्स हाउ हर थॉट इज़. क्योंकि जिस तरह की उसकी पैदा यू नो परवरिश हुई है, कभी उसके पेरेंट्स ने उसको कम नहीं सोच समझा, एक लड़की की तरह ही उसको ट्रीट किया है. सो या शी इज़ अ वेरी वेरी टुडेज गर्ल, जो हर यू नो हर चीज़ के अप्रोच में बहुत प्रैक्टिकल है, और उसे पता है उसको लाइफ में क्या करना है और किस हिसाब से जाना है, और कैसे वो एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट लड़के से मिलती है जो हमारे हीरो हैं रणवीर, जिनका नाम इमू है फिल्म में, और कैसी उसकी यू नो लाइफ उथल पुथल हो जाती है. And then the journey that happens because of her best friend, Yasmin Mirza. Yeah. So, madam ने मेरा नाम बता ही दिया, यास्मीन मिर्ज़ा. मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, पता नहीं कुछ कनेक्शन है मेरा और मुस्लिम का. So, बहुत ही मज़ेदार रोल है. पूरी जो फिल्म है ना वो मेरी वजह से हो रही है. मतलब बेसिकली मुझे हो जाता है प्यार, और उसके बाद सब पड़ जाते हैं मुश्किल में, और फिर मैडम आती है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो फिल्म में मुझे बचाने, और फिर इसके आगे मैं नहीं बता सकती. बट जो भी है जैसा भी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं फिल्म के वो भी बहुत ही कॉमिक हैं, और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं फिल्म में, बी इट रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, और बिटवीन टू फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, और बिटवीन लवर्स, वो अलग अलग तरह का प्यार भी है इसमें. तो इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा देख के. हमें तो शूटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया, मतलब हमने बहुत ऐश करी है. पर आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई कैन लुक मुस्लिम, बिकॉज मुस्लिम पीपल आर वेरी प्रिटी एंड इनडायरेक्टली. तो बोल रही, तो बहुत सुंदर है ऑफकोर्स. ये मेरे दिल की सारी बातें जानती है. फ्रॉम डे वन हम जब सेट पर मिले हैं, इसके पहले वी डिडंट नो ईच अदर, वी आर लाइक टू पीपल ऑन फायर, एंड लाइक हमने पूरे सेट को ना मतलब वी हैड सो मच फन कि सब लोगों को लगता था कि वी नो ईच अदर सिंस लाइक फ्रॉम एजेस इयर्स, पर ऐसा नहीं है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. मस्ती मस्ती में काम हो जाता था. काम कैसे हुआ हमें पता नहीं, वो आप अफजल से पूछे कि काम उन्होंने कैसे निकलवाया. हम तो मस्ती करने आए थे, हमने मस्ती करी है. सेट पे कैसा माहौल है? वो खुद भी बहुत मस्ती करते थे. एक्चुअली सबसे ज़्यादा मस्ती सबसे ज़्यादा सेट पे अफजल करते हैं, और बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है एट टाइम्स. एक्चुअली उनकी शक्ल पे पता चल जाएगा कि अब ये मस्ती करने वाले हैं. मतलब वो ऐसा वॉक करके आएंगे एंड वी नो इनके दिमाग में कुछ खुरापात चला है, नाउ इज़ गोना डू समथिंग नोटोरियस. तो वो हमारे लाइक अलग लेवल की मस्ती खोल आती है. ऐसा एज एज मतलब प्रैंक ऐसा नहीं था, लेकिन जब हम लोग शूट कर रहे होते थे ना, तो अफजल सर की ये इम्प्रोवाइज़ करने की आदत ना बड़ी ख़तरनाक सी है. मतलब कोई एक सीन है और उसमें हमने अपने लाइंस किए हुए हैं, वो सडनली किसी कैरेक्टर को चुपके से आगे कान में बोल देंगे कि तुम लास्ट लाइन ना ये चेंज कर देना, ये चेंज, और किसी और को पता नहीं होगा कि उन्होंने लाइन चेंज करी है. और जब सीन चल रहा है एंड दैट पर्सन कम्स एंड सेज दोज लाइन एंड यू गेट सच अ नेचुरल रिस्पॉन्स, यू लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. सो थोड़े टाइम के बाद हम समझ गए कि वो किसी को ले गए कोने में और कुछ बोल रहे, तो कुछ गड़बड़ होने वाला है. आई थिंक कमर्शियल टच तो मुझे नहीं पता, बट हमारी फिल्म बहुत रियल है, बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं, बहुत रियल सिचुएशंस हैं. और जब जो फेमिनिज्म मैं यू नो बात कर रही हूँ, वो इक्वालिटी का है कि लड़का लड़की एक जैसे हैं. अगर वो
अगर लड़का कुछ करता है वो लड़की भी कर सकती है उससे बेहतर, या एटलीस्ट जितना लड़का अच्छा कर रहा है उतना तो कर ही सकती है. तो वो इक्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, और हमने बहुत रियल सिनारियो में उसको डील किया है, कुछ ओवर कमर्शलाइज या ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया है. अब अगर फिल्म देखोगे जो हमने जो सिचुएशंस और जो मुद्दे हैं वो बहुत ही रियल हैं. कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो हुए होंगे या हमारी फैमिली में हमने कहीं देखा होगा. और सो या देयर इज़ नो ओवर कमर्शलाइजेशन ऑफ फेमिनिज्म. व्हेन यू आर सेइंग कमर्शलाइजेशन, व्हाट इज़ इट दैट यू मीन? मतलब आप, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. बट द थिंग इज़, आप दोनों चीज़ को मिला नहीं सकते ना. कमर्शल सिनेमा होगा तभी वो बिकेगा. लाइक इवन इफ इट्स अ कम्प्लीट रॉ फेमिनिस्ट फिल्म, इफ इट्स नॉट कमर्शियल हाउ विल पीपल सी इट? आई एम नॉट सेइंग मेक इट फेक. यू आर मिक्सिंग टू वर्ड्स. कमर्शियलिज्म इज डिफरेंट, फेकिज्म इज डिफरेंट. कोई भी फेमिनिस्ट फिल्म हैज़ टू बी कमर्शियल, अदरवाइज पीपल विल नॉट बी एबल टू सी इट. इफ़ यू आर सेइंग इट्स स्टाइलाइज्ड और इट्स मेड फेक, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अ फेमिनिज्म फिल्म कैन ऑलवेज बी अ कमर्शियल फिल्म. देर इज़ नो, वो दोनों एक नहीं है, दे आर डिफरेंट. इट्स अबाउट हाउ यू डील, हाउ दैट इट्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ द डायरेक्टर हैज टैकल्ड दैट सब्जेक्ट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, राइट? लाइक अफजल, इवन इफ यू सी हिज प्रीवियस फिल्म्स, ही डील्स विद वेरी रियल सिनारियोज एंड रियल कैरेक्टर्स. उनकी फिल्मों में कुछ ओवर कमर्शलाइजेशन नहीं होता है. लाइक सडनली आपको अब्बास मस्तान वाला स्टाइल नहीं दिखाई देगा. दे आर वेरी डिफरेंट. तो इवन इन दिस फिल्म all the situations and all the crazy things that are happening are very real. वो कहीं ना कहीं शायद आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा. बहुत यार, जब सर ने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे जो इसमें इंक्लूड भी की है. आई एम श्योर उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसिस तो ऑब्वियसली उन्होंने, बिकॉज उन फिल्म भी उन्होंने ही लिखी है, तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस ऐड करे हैं. बट हमने भी ऑफकोर्स जब आप शादियों में जाते हो तो बहुत अलग अलग टाइप के लोगों को देखते हैं. स्पेशली अगर आप पंजाबी यू नो शादियों में जाते हैं तो वो ड्रंक पंजाबी अंकल्स जो डांस करते हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है. वो हर शादी में अलग होता है, वो रिपीट नहीं होता किसी शादी में. और जो आंटीज़ होती है, जो उनके गॉसिप होते हैं, जो समोसे थोड़े कच्चे हो गए होते हैं, जलेबी उतनी मीठी नहीं होती है, जो वो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा फ़नी होती हैं. एक्चुअली अभी मेरे कज़न की शादी थी तो मैं उसमें गई थी. फेबररी की बात है, आफ्टर द फिल्म आई शूटिंग. मैंने और कुछ तो नोटिस नहीं किया, पर मैं बहुत डांस किया. मैंने बहुत सालों बाद एक बारात में मतलब अच्छे से डांस किया, इतना डांस किया मतलब फुल लाइक आप लेट लेट के समय एक टिपिकल डांस होता है हिंदुस्तानी शादियों में, चाहे किसी भी रीजन की हो, वो सांप और नागिन डांस. एक आदमी उसमें से बीन बजा रहा होता है और दूसरा नागिन बन के. आई डिड दैट ऑल्सो, सो इट वॉज सुपर फन. और या खाना बहुत होता है, पता नहीं अलग अलग तरह का खाना होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. वेल, अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए और ट्रेलर देखिए बारात कंपनी का. और अगर आपको आपने ट्रेलर देखा और आपको पसंद आया है तो 28 जुलाई को प्लीज़ थिएटर में आइए और फिल्म देखिए. बहुत ही यंग, फन, कॉमेडी, काइंड ऑफ फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है. और 2 घंटे की फिल्म है. बिफोर यू नो इट, इट गेट्स ओवर. तो आई होप यू गेट एंटरटेन. Yeah, I think it's a very sweet film and हमने बहुत मेहनत करके ये बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है और हम सबका बहुत एफर्ट लगा है. एंड वी आर वेरी श्योर दैट जो भी थिएटर में घुसेगा, घुसने के बाद वो वापस नहीं जा सकता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. 28th ऑफ जुलाई, प्लीज़ वॉच इट. यार मूवी के बारे में, ऐसे स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ ये एक एंटरटेनर है, एक रोमांटिक कॉमेडी है जो जिसमें थोड़ा सा नयापन है. नयापन कैसे है? रोमांटिक कॉमेडीज़ अगर ज़्यादातर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ कपल जो होता है, मेन लीडिंग कपल, हीरो हीरोइन, उस पर फोकस होता है. लेकिन इसमें आसपास भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिन पे भी फोकस दिया गया है, और वो कैरेक्टर्स बहुत वाइल्ड हैं, बहुत क्रेज़ी हैं अपने आप में, और उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किए गए हैं. इसमें एक ख़ास बात और है इसके अंदर, वो ये कि इसमें बहुत अलग अलग तरह के थिएटर ग्रुप्स ऑल अक्रॉस इंडिया, वहाँ से एक्टर्स हमने लिए हैं. जैसे हम MP थिएटर बताएं, जयपुर थिएटर बताएं, मुंबई थिएटर, दिल्ली थिएटर, लखनऊ थिएटर, तो यहाँ से लोग आए हैं, और जिसकी वजह से ये फिल्म अपने आप में एक बहुत डिफरेंट फिल्म लग रही है, क्योंकि चेहरे अलग अलग हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थाट्स, अलग 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 स्कूल ऑफ थिएटर से लोग आए हैं, तो उनकी टेक्निक्स भी अलग हैं, एक्टिंग टेक्निक्स भी अलग हैं, तो उन सबका एक जमावड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है
जो अपने आप में एक फ्रेशनेस लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यही इस फिल्म का एक USP है कि इसमें एक ऑनसम्बल कास्ट है बहुत अच्छी, कुनाल इमशान ने कास्टिंग करी है उसकी, तो बहुत अच्छी स्कॉट है। कंपनी की अगर ट्रेलर की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेल खाती है बैंड बाजा बारात से। अच्छा मेल खाती है। अच्छा मेल खाता है, जन ने कहा भी है तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत उनसे इंस्पायर है या नहीं? उससे कैसे इंस्पायर हो सकता है, जो एक फिल्म आ चुकी है वो आ चुकी है, अब ये एक अलग फिल्म है, इसकी अलग कहानी है, इसका अलग कंसेप्ट है। हाँ बारात ज़रूर बैकड्रॉप में है, मैरिजेस ज़रूर बैकड्रॉप में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कहानी कहीं से इंस्पायर्ड है। कहानी जो मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया था उस पर फिर मैंने एक अपना शूटिंग ड्राफ्ट बनाया फाइनल, और उससे बहुत अलग है, उसमें बहुत सारे किरदार हैं और ये फिल्म बहुत कुछ कहना चाहती है अपने आप में। एंटरटेनर होने के साथ साथ इस फिल्म में एक मैसेज भी है जो मैंने कुछ जानबूझ के नहीं डाला, वो अपने आप नेचुरली आया। तो लोग अगर फिल्म को पसंद करते हैं और साथ साथ ये मैसेज भी जो फिल्म में है वो उसको साथ साथ घर ले जाते हैं, तो मेरी हम सब लोगों की जीत है उसके अंदर। तो फिल्म के ट्रेलर को बहुत सराहाया जा रहा है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, इसका टाइटल ट्रैक बहुत पसंद आ रहा है लोगों को जो रिलीज़ हुआ है कि आ गई बारात कंपनी। ये तीन गाने और हैं फिल्म के, वो भी बहुत अच्छे गाने हैं, तो जैसे जैसे वो आएंगे लोगों को पता चलेगा। मेरे ख़्याल से हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि देखिए रोमांटिक कॉमेडीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार वो चलती हैं और उसमें अलग अलग बैकड्रॉप्स होते हैं। तो मैरिजेज़ और शादियाँ एक ऐसा बैकड्रॉप है हिंदुस्तान के अंदर जो हमेशा से पॉपुलर रहा है, उसके बैकड्रॉप पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो बहुत हिट हुई हैं। तो एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड बैकग्राउंड है, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर कहानी क्या कह रही है वो असल बात है। कि बैकग्राउंड तो आपने एक ट्राइड एंड टेस्टेड ले लिया, बट उसके ऊपर कहानी किस तरह से अलग कही जा रही है। अब देखिए बारात है तो बारात में आपको शामियाने दिखेंगे, बारात में आपको लोग दिखेंगे, मेहमान दिखेंगे, दूल्हा दुल्हन दिखेंगे, वो इसमें दिख रहे हैं, तो इस वजह से ये लग रहा होगा लोगों को ऐसा ऐसा है, बट मेरे ख्याल से जब फिल्म देखने आएंगे लोगों को तो उनको पता चलेगा कि इसमें क्या है। सर पास में आपने लाल रंग की थी और यंगेस्ट टाइम भी की थी, तो दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट था और ये रोम कॉम है, तो आपने कब सोचा कि रोम कॉम में भी थोड़ा करना चाहिए? देखिए मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं किसी भी जॉनर में बंध के नहीं रहूँगा, तो उसमें से एक पॉलिटिकल लव स्टोरी थी यंगिस्तान, फिर लाल रंग एक अपने आप में सोशल ड्रामा है, और अब ये फिल्म, मैंने हमेशा से ये सोचता था कि अगर मैं कॉमेडी रोमांस में करूँगा तो रोमांटिक कॉमेडी तो वो किस तरह की होगी, वो हमेशा इमेजिन करता था, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में रह गई थी, उसमें मैंने कभी सोचा होगा कुछ, तो वो मैंने इस फिल्म के अंदर डालने की कोशिश की। लेकिन मैं चैलेंजेस पसंद करता हूँ और इसी वजह से किसी जॉनर में बंद के रहना नहीं चाहता हूँ, तो ये भी एक तरह का चैलेंज था। दुनिया में किसी एक इंसान को हंसाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए मेरे हिसाब से कॉमेडी सबसे डिफ़िकल्ट काम है फिल्म मेकिंग के अंदर, के कॉमेडी बनाना और एक सफल कॉमेडी, ये नहीं कि स्लैपस्टिक फिजिकल कॉमेडी हो रही है ये और शक्लें बनाई जा रही हैं, ये हो रहा है एक नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हुए रियलिस्टिकली बात करते हुए आप कैसे कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात है। तो ये मैंने कोशिश करी है उसको पूरा करने की, अब देखिए ऑडियंस क्या कहती है इस बारे में। देखा जा रहा है कि प्यार करना मना है, हाँ। तो ये कहीं योगीनाथ की जो कैंपेन नहीं, इससे बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ से इंस्पायर्ड नहीं है इसमें, बस सिर्फ वो आपको फिल्म देख कर पता चलेगा कि प्यार करना क्यों मना है, बट ये किसी भी ऐसे कोई भी पॉलिटिकल चीज़ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही स्वीट सिंपल सी रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें बहुत स्वीट सिंपल से किरदार हैं और वो उनका इंटर कैरेक्टर रिलेशनशिप जो है वो इस फिल्म में दर्शाया जा रहा है, वही कहानी को आगे लेके जाता है। सब बारात की बात की जाए तो बहुत से बारात में गए रहेंगे शादी में, तो यूनिक डांस देखने मिलते हैं। बिल्कुल, वो मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग बारातों के, जिसमें अजीब अजीब से मेहमान भी हुआ करते थे और कभी कभी कुछ मेहमान होते थे जो गेट क्रैश करे जाते थे, पता चला कोट वोट पहन के आए हैं, मैंने तो ऐसे तक देखा है लोगों को कि वो लोग एक अपना सूट वूट अलग से रख के रखते हैं और जहाँ भी बारात दिखती है तो घर जाते हैं, पहन के आते हैं, घुस जाते हैं। तो आपने ऐसा कभी देखा है? बहुत देखा है सर, लोगों को पिटते हुए भी देखा है जो पकड़े गए हैं। तो ये मूवी में भी देखने मिलेगी? मैं ऐसा अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके सर, लास्ट दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 28 जुलाई 2017 को आप लोग सिनेमा घरों में जाइए और ये फिल्म देखिए, खूब खुश होइए, हंसीए, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाइए, बहुत साफ़ सुथरी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप सिनेमा हॉल में कदम रखेंगे तो आप हंसते हंसते ही बाहर लौटेंगे।